पहले वीडियो में मैंने इनकी दिखाई थी थाली जो कि है ब्रिलियंट। पार्ट टू इसलिए बनाया इज़ ओनली बिकॉज़ इनकी स्पेशलिटी इतनी है। ये देखो निहारी के तो क्या क्या फैंस हैं, और जो दिल्ली में निहारी मिलती है ना वो अलग ही लेवल है। थ्री टू वन। हाँ जी, पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, जैसे ना पार्ट वन ही देखा वो पार्ट वन देख सकते हैं। जगह का नाम फिर बता दूँ, जगह का नाम है मुगल हवेली, छतरपुर दिल्ली में ये जगह है। पहले वीडियो में मैंने इनकी दिखाई थी थाली जो कि है ब्रिलियंट, वो कोरमा और वो मटन डाल के खमीरी के साथ एक देते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुगलई खाना मिस करते हैं और पुरानी दिल्ली जाना इतना आसान नहीं होता, ऑथेंटिक खाना खाना है। एनीवे, पार्ट टू इसलिए बनाया इज ओनली बिकॉज इनकी स्पेशलिटी इतनी है। मैं कहा इस बार क्या दिखाना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखाना है, कह रहे आपको दिखाने हमारे मटन कबाब अपने मसाले से ग्राउंड में, कह रहा खा के देखना दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, उसके साथ साथ कह रहे आपको क्या खिलाना है, मटन बर्रा। बर्रा किसका फेवरेट नहीं है, इट इज़ अ फैंसी डिश बट लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं बर्रे को अगर इफ इट्स बिन डन नाइसली, और साथ में खिलाना है चिकन बर्रा। अच्छा जी, अच्छा इसके साथ साथ कह रहे आपको हमने खिलाना है हमारे यहाँ का मटन कोरमा, क्योंकि मुगलई है एंड कोरमा इज़ दी एसेंस, मतलब कोरमा तो चलेगा ही चलेगा, मटन कोरमा, और साथ में कह रहे खिलानी है मटन निहारी। अच्छा जी, पूरा मुगलई हेवन है कि नहीं है, करना क्या मिलना है यही सब चीज़ें ऑर्डर करनी है। शेयर करते बिरयानी भी दिखाएंगे, आई एम नॉट श्योर बिरयानी का पूछेंगे, थोड़ा खाना थोड़ा एंटरटेनमेंट थोड़ा रिव्यू, मुगलई फूड है दिल खुश करता है। अंदर चलते हैं, ऑर्डर करते हैं, वीडियो के अंत तक बन रहना और बहुत पानी आएगा, चलें इस मुगल हवेली पार्ट टू। हाँ जी, ये दूसरा वीडियो बन रहा है आपका है? अच्छा, इस वीडियो में दिखाने जो स्टार्टर्स आपने कहे थे कबाब बर्रा, कबाब बर्रा, चिकन बर्रा। आपका फोन आ रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, काट लो। आपको निहारी है, मटन कोरमा एंड खमीरी एंड बिरयानी, बिरयानी भी दिखानी है। हाँ जी, चलो चले अंदर आइए। अच्छा, पहले बाहर स्टार्टर दिखा दे। हाँ जी, ख्याल है जी, कैसे हो? दिखाओ दिखाओ, जो इधर लो, इधर लो, डालो वो तभी। क्या क्या जी, ये क्या है, ये बर्रा? बर्रा है, चिकन बर्रा, देख लो। लगाओ लगाओ शेफ साहब, सीधा वीडियो में घुसे, खाने में रुकना नहीं है। कबाब की भी तैयारी यहीं कर लें। हाँ जी, हाँ जी, गैस ये देख लो, करो करो शेफ, बिल्कुल करो जी। ये कौन सा कबाब है? ये चिकन सीख कबाब है। अच्छा चिकन, ये मटन है। हाँ जी, हो गए हैं तैयार? हाँ जी हो गए, निकालो। वाह जी वाह, इसमें यही खड़ रहा है जब तक तैयार नहीं होते। थोड़ी बटर लगाएंगे अमूल का। ओहो बर्रा जी, ओहो मजा आ गया जी। शक्ल देख रहे हो यार। अच्छा अच्छा, फुल डन कर रहे हो हम। हाँ जी, और ये हो गए जी अपनी कबाब। मैं जेनुइनली बता रहा हूँ, मैं बिग फैन हूँ मुगलई फूड, आई होप इनकी क्वालिटी मेरे को पसंद आ जाए, क्योंकि जो पिछला व्लॉग बनाया था उसमें आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। हाँ जी, चले तेरा अंदर किचन में। हाँ जी सर, बिरयानी तैयार कर रहे हो? हाँ बिरयानी मतलब लगा रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल फ्रेश बिरयानी, शाम के लिए तैयार हो रही है? जी सर। हाँ जी, जो हमने अखनी बनाई थी, ये अखनी है? हाँ जी, बिरयानी भी टेस्ट करेंगे करेंगे जब ऐसा हो रहा तो। इलायची इलुची मार के हैं ये सर, ऑयल है किस चीज़ में? गाइस यहाँ पे हो रहा है निहारी है जी और कोरमा है, ये मटन कोरमा। अच्छा, इसकी ग्रेवी ऑलरेडी तैयार होती है जी, है ना? तो मोटा मोटा डन हो चुका है, क्योंकि इसको आपको गर्म ही करना था, है ना? सर, ये सर। अच्छा वो निहारी है सामने, देख मैं दिखा दे इसको भी। हाँ जी सर, देख पास लिया है? एक मिनट। हाँ जी आया जी, वाह एक सेकंड, प्रॉपर टेस्ट होगा जी, हैं बिल्कुल सर, दिल्ली स्टाइल बिल्कुल सर। शक्ल देखो गाइस, चलो देखते हैं कैसी टेस्ट पे पता चलेगा ये तो। इसको भी आप ऑब्वियसली पैन में हीट करके प्रॉपर तरीके से। जी सर, कोरमा रख दिया साइड पे ताकि वो गर्म रहे। अरे छोटा तो ना यार। अच्छा कितने आते हैं निहारी के पीस एक प्लेट पे? हाफ में टू, हाफ दो में पीस हैं, फुल में चार है, फुल में चार है।
सो निहारी कोरमा, पिछले व्लॉग में आपने देखा चिकन कोरमा, कीमा मीट, वाह सारी ग्रेवी इकट्ठी हो गई थी, मतलब सभी कवर हो गया। ये ग्रीन चिलीज, ये जिंजर बड़ा ज़रूरी है। अच्छा फॉइल लगाया था बीच में ताकि स्लो कुक हो आराम से। गाइस ये फाइनल रिजल्ट देख लो बर्रे का, जो मटन लवर है ना वही मेरा दर्द समझ सकता है इस टाइम पे, मतलब दर्द क्या है, खाने वाला हूँ मैं भी, ज़्यादा देर का दर्द नहीं है। तो बर्रा का पता क्या होता है, इट हैज़ टू बी कुक टू परफेक्शन, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा पका दो ना तो इट बिकम्स वेरी चुई, और अगर कम पकाओ तो भी इट्स चुई, पर दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। एक मिडिल पॉइंट होता है जहाँ पे इट्स कुक नाइसली, जितना चाहिए उतना ही मसाला, नींबू और फाइनल धनिया। अच्छा प्रॉपर फॉइल के साथ काम हो रहा है। वेरी गुड चिकन बर्रा। जो क्रीम भी जाती है शाइनिंग के लिए, शाइनिंग के लिए। अच्छा हो गया डन जी, तेल का हाथ मत चमक आ जाइए। ठीक रहा है कबाब पर, अच्छा बहुत लग रहा है यार। अच्छी बात क्या, पूरा पीस देते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट लोग आते हैं टुकड़े करके देते हैं, कबाब खाने का मज़ा नहीं आता। गाइस अंदर आ गए, गर्मा गर्म अब डलवाते हैं निहारी और कोरमा, हल्का सा बस दो मिनट गर्म करेंगे क्योंकि हम बाहर कबाब देखने गए थे, उसके बाद प्लेटिंग। ग्रीन चिली, अदरक जी सर, चूलिंग को निहार क्या रहा जी, बिल्कुल सर। सो लेयरिंग कर रखी है, ओए हो अच्छा ही देख रहे हो जी, गर्मा गर्म फ्रेशली मेड बिरयानी लेयरिंग के साथ चिकन बिरयानी आपके सामने बनी है। ये सेट फ्रेश बनाते हैं, दो तीन लॉट इनके बनते हैं, और वो इसलिए ताकि लोगों को फ्रेश माल मिले, मतलब मैं गर्मा गर्म खाने वाला हूँ, फ्रेश है। हाँ जी गोइंग आउट यार, अब बताओ, अब आप खुद बोलो, मैं ये एक व्लॉग में कर सकता था इतना सारा खाना, पहले थाली और एंड सी आई टेल यू व्हाई आई एम डूइंग टू व्लॉग इज ओनली बिकॉज मेकिंग आज कल ना लोग पीपल अप्रिशिएटिंग कि मेकिंग होनी चाहिए यार, पता ना चले चीज़ बन जा रही है, तो इसलिए मैंने वो अलग वीडियो बनाया, इसका अलग बनाया, ये थोड़ा अलग आर्ट सिस्टम था, वो थाली सिस्टम था, वो थाली और ये खाना, भाई वाह खाएं खाना, चलो गाइस, दिस ह्यूज मुगलाई हेवन यार, अच्छा लग रहा है, ट्राई करें, आ जाओ बर्रे से कहते चिकन, ये देखो जी चिकन बर्रा, ऊपर प्रॉपर धनिया वगैरह डाल के मसालेदार काम है बर्रे का, हैं चटपटा सा होगा देख के शक्ल बता रही है। ऑलराइट 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। नींबू और जो ऊपर मसाला है शाम वाला काम ना, पूरा पूरा परफेक्ट, मज़ा आ गया मुझे ना खिलाते रहो ऐसा खाना, चिकन सक्यूलेंट, इट्स नाइस, बैलेंस्ड फ्लेवर्स, वेरी गुड, आई लाइक द होल गार्निशिंग वगैरह, डेक द प्लेट, आंखों से देख के मज़ा आ रहा है, सो गुड थिंग है कि नहीं है। हाँ जी बर्रे पे आ जाएं, ये देखो पास आ जाओ, पास आ जाओ, ये देखो जी, ओह हो, अच्छा जी देख लिया अच्छे से, खाएं इसको, वैसे तो डायरेक्ट मुंह से खाना चाहिए था बट ठीक है यार, दिस मे बी अ बिट एक्सपेंसिव ऑफ अ डिश बट कभी अच्छा देना है ना और अगर खाना है कमाल का खाना, हमेशा बर्रे के ऊपर ना एक मोटी लेयर होती है मैरिनेशन की जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इट्स वेरी नाइस। सिर्फ बर्रे का एक ड्रॉबैक है, वो इनके नहीं किसी के साथ भी है कि ना मीट कम होता है, ये जो खाता है बंदा समझो, एनीवे आ जाओ कबाब।
ये ना टूट रही है पकड़ने से, इनफैक्ट टूट ही गई है। मैं यहाँ से पीस तोड़ता हूँ। क्या बात है, लेस की बाइट। हाँ जी, ओके, अमंगस्ट एवरीथिंग आई थिंक कबाब विंस यार, हैंड्स डाउन। यू नो व्हाई? नॉट ड्राई, नॉट एट ऑल ड्राई। और कबाब का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है, जो नहीं बना पाते, जितनी अच्छी हो सकती है उतनी बुरी हो जाती है। क्यों? सूख जाती है और फिर वो गर्म करते और सूखती रहती है। फॉर मी दिस इज़ परफेक्ट। सो फॉर मी दिस विंस यार। ऑनेस्टली मैं कुछ साथ में नहीं ले रहा प्याज वगैरह। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, कबाब ज़रूर ट्राई करना और हो सके तो उसे गर्मा गर्म खाना, बिकॉज जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी करो, है कि नहीं है? आ जाए जी बिरयानी पे। ऑलराइट, ये है जी बिरयानी। ये लेग का पीस मांगा था, ये लो जी। हाथ से खाते हैं ना यार। हाँ जी, मज़ा पता क्या आ रहा है? स्पाइसी है, बड़ा रेयर होता है कि आपको स्पाइसी नहीं, ऐसे मत करो, रहने दो मत करो, बड़ा रेयर। आई एम सॉरी, बोलना यार डॉग को थोड़ा वो करते ताकि कैमरे में ना आए, मैं खिला दूंगा। अगर आपको दिख गया डॉग तो दो मारी मैं खिलाऊंगा। एनीवे, सो बिरयानी क्या है कि इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स स्पाइसी। जो स्पाइसी फूड लवर है ना वो बिरयानी खाएं। पहले बता रहा हूँ, स्पाइसी फूड लवर, यू शुड नो दिस इज ओनली बिकॉज आप गलत ऑर्डर ना करो। मज़ा आ गया। हाँ जी, खमीरी लेते हैं निहारी के साथ। इसको देख के नहीं रुक पा रहा था मैं। ये देखो जी, ये देखो निहारी के तो क्या क्या फैंस हैं। और जो दिल्ली में निहारी मिलती है ना, कुछ अलग ही लेवल है। अलग ही लोग लखनऊ में भी बहुत कहते हैं, बट हम दिल्ली वाले हैं यार। जब भी निहारी ऑर्डर करो ना, ट्राई टेक नल्ली का पीस। जैसे नल्ली निहारी हो गई, मतलब सोने पे सुहा हो जाता है, क्योंकि नल्ली इज़ दी ओनली पीस जो सबसे ज़्यादा ना नरम होता है। इट फॉल्स अपार्ट, मुंह में जाके ना वो जो मटन का फील है नल्ली के साथ, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद अदर पीसेस। ये मेरी राय है। रियली नाइस, जैसे होनी चाहिए। नॉट द बेस्ट निहारी, बिकॉज यार निहारी के नाम पे ना देयर इज अ मेजर कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, बट हाँ डिसेंट निहारी, येस यू कैन कम एंड ट्राई फॉर श्योर। आ जाओ कोरमा खाते हैं, रोटी लेता हूँ यार, मन कर रहा है रोटी खाने का। आ जाओ जी, ये देखो, ये देख रहे हो पूरा मटन का पीस, ग्रेवी में डिप, हाथ गंदे जो होने भी चाहिए। ऑनेस्टली इट्स वेरी रेयर कि आई लाइक कोरमा ओवर निहारी, बट यहाँ पर मुझे आई लाइक कोरमा ओवर निहारी यार, क्योंकि निहारी ऑलवेज विंस फॉर मी। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल यार। सो पता क्या होता है, सोचो दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह हैं जिनका लोग पता ही नहीं है। लोग कहेंगे सर बाबा जी की तारीफ़ कर रहे हो, तो बुराइयाँ करते हो ना, करने लायक होते हैं। आके ट्राई करो, उसके बाद कॉमेंट करो, सिंपल स्पष्ट। और इतना मत मंगाओ, एक दो चीज़ें मंगा ली, पहले एक्सपेरिमेंट कर लो जगह को, समझ आ जाए सुबह, है कि नहीं है? जितना खाता खाता हूँ, बाकी पैक कराता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट, दिस वाज पार्ट टू फॉर यू यार। ये पता है मैंने दो पार्ट क्यों बनाए? एक तो बहुत समय से मुगलाई नहीं किया था, प्लस मेकिंग दिखाने का मन था। आई थिंक पीपल लव मेकिंग, एंड इनकी इतनी स्पेशलिटीज थी, मैंने कहा एक ब्लॉग में कवर नहीं होगा। सो ये ना कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल दैट वी कुडंट कवर इट इन वन वीडियो, वी मेक टू ब्लॉग्स, ठीक है? थैंक यू लोकेश जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हेलो कर लो। वंडरफुल पर्सन, हसमुख, अच्छे से, वेरी कोऑपरेटिव। एंड हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्यवहार खाने से ऊपर है, व्यवहार अच्छा है तो काम अच्छा है, है कि नहीं है? एक्चुअली ये लोग बड़ा अच्छा खाना देते बट व्यवहार ठीक नहीं रखते, उनका क्या करना है? कुछ नहीं करना। एनीवे गाइस, वंस अगेन, मुगल हवेली छतरपुर में, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स डाल दूंगा। ना मिले वो ज़्यादा परेशान करो, पहुँचो, ट्राई द फूड एंड लीव अ कॉमेंट। कॉमेंट इसलिए बताने इज ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू नो इफ यू गॉट द सेम एक्सपीरियंस एज आई डिड, बिकॉज आई हैव गॉट अ वंडरफुल टाइम, मतलब अच्छा मज़ा आया, ठीक है कि नहीं है? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पर रोरा शोएब एंड फेसबुक पर शोएब रोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा। अंटिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बोल दो।